गाइस वेलकम टू माय चैनल सोमैटो टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस टाइम पर आज जो मैं रीडिंग देखने जा रही हूँ वो ये देखने जा रही हूँ कि भाई आपकी बात कब होगी आपके पार्टनर से, कब उनका फ़ोन आएगा, कब कॉल आएगा, कब मैसेज आएगा, या फिर कब बात करेंगे वो। आज टैरो कार्ड में सिर्फ इतना देखने जा रहे हैं, तो अगर आप भी ये चीज़ को देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सो चलिए देख लेते हैं, टैरो कार्ड से जानेंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, अब मैं टैरो कार्ड ही लेने वाली हूँ, टैरो कार्ड ही बताएंगे आपको। सो जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, तो अगर आपके सामने आ जाती है ना अचानक से तो समझ दीजिए ये आपके लिए थी, इसीलिए आपके सामने आ गई है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देख लेते हैं कि भाई वो आपसे बात कब करेंगे, कॉल कब करेंगे। और ये जो रीडिंग है सभी लोग देख सकते हैं, हर कोई देख सकता है। राशि में बता दूँगी इसमें आपको, और किसी भी रिलेशनशिप के लिए, मैरिड, फ्रेंडशिप, लव लाइफ, या फिर जो भी रिलेशन है आपका, हर रिलेशनशिप के लिए देख सकते हैं आप। तो चलिए देख लेते हैं भाई वो आपसे बात कब करेंगे। मैंने कार्ड तो सफल कर लिए हैं, ये वाला कार्ड भी उल्टा है, मैं इसको सीधा कर लूँ। ओके, मुझसे बात करने के लिए आप सभी लोग वीडियो के नंबर पर ही भरोसा करें। मेरा वीडियो जो आ रहा है, ओ माय गॉड, चलिए अभी मैं डिफाइन करने वाली हूँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए। तो वीडियो पर जो नंबर आ रहा है स्टार्टिंग में, लास्ट में, मिड में, वो सारे नंबर मेरा ही है, उस नंबर से आप मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन मैसेज है ना, पर्सनल रीडिंग पेड है, नहीं है फ्री, पेड सर्विस है। तो अगर आपको लेना है तभी आप बात करें। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है मेरा, एंड कमेंट बॉक्स में मैं कोई नंबर नहीं देती हूँ, तो कमेंट बॉक्स के नंबर से अवेयर रहें, ठीक है। सो अभी देख लीजिए आप, देखिए आपके पार्टनर जो मेरे को दिख रहा है डियर गाइस, तो आपके पार्टनर तो देखो अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं। फर्स्ट कार्ड आपने भी देखा होगा, मैंने आपको भी दिखाया था, मैंने खुद भी देखा, मतलब मैं शॉक्ड हो गई फर्स्ट कार्ड को देख कर। इतना गुस्सा है ना आपके पार्टनर आपसे, मैं क्या बताऊँ आपको, आप खुद देख रहे हैं, नाराज़गी देख रहे हो आप यहाँ पर, कितनी नाराज़गी आप दोनों के बीच में, क्या ऐसा हुआ है जो इतना ज़्यादा नाराज़ हैं आपके पार्टनर इस टाइम पर। पूरी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे साइलेंट हो चुके हो, मिसअंडरस्टैंडिंग, ओ माई गॉड, बहुत दिख रही है। अंडरस्टैंडिंग तो मुझे दिख ही नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि आप वो या तो नाराज़ होकर बैठ गए हैं ब्लॉक करके रिश्ता बीच में से ब्रेक करके, और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रही है। आपका मुझे दिख रहा है कि आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि भाई वो वापस आ जाएं और दोबारा से आप और वो एक हो जाए। लेकिन मैं तो यहाँ पर देख रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है ना वो पूरी तरीके से यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट बनाकर बैठ चुके हैं, ठीक है, बात ही नहीं कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा मतलब उनकी जो एनर्जीज आ रही, क्योंकि ऊपर जो एनर्जीज़ मैं इस टाइम पर जो मैं देख रही हूँ ना, ये एनर्जीज़ तो मुझे आपके पार्टनर की आ रही है कि भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा माइंड भी डिस्टर्ब हो रहा है। स्ट्रेस यहाँ पर आपको देख रहा होगा कार्ड में, स्ट्रेस का कार्ड, ठीक है। ये जो कार्ड आया है वो इसलिए आ रहा है कि क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो गया है आपका, ठीक है, एंड बात हो नहीं रही है, नाराज़गी भी हो गई, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो उनसे भी गलतियाँ हुई हैं, कुछ आपसे भी, तो गिल्ट तो आ रहा है, गिल्ट तो आपके पार्टनर का भी आ रहा है कि उन्हें कुछ गिल्ट भी हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कि उनकी तरफ से कुछ ऐसी बातें हो गई जिसकी वजह से आप भी नाराज़ हैं, आप भी नाराज़ हैं, और उन्होंने कुछ बहुत मिसबिहेव कर दिया आपके साथ, या फिर बने बनाए एक प्यारे से रिश्ते को जो है बीच में ही तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया और किसी थर्ड पर्सन के पास चले गए। लेकिन अभी मैं क्या देख रही हूँ कि अभी आपके जो पार्टनर हैं वो स्ट्रेस कर रहे हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसिंग एनर्जीज आ रही है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, तनाव दिखाई दे रहा है, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए बहुत मेंटली स्ट्रेस उनको हो रहा है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई तीसरा इंसान भी है जो बहुत ज़्यादा मतलब इंटरफेयर कर रहा है, उस थर्ड पर्सन की जो मुझे एनर्जीज मिल रही है वो ये दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना उस थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा परेशान वाली एनर्जीज आ रही है, कि मतलब किसी से परेशान हो जाता है ना कि भाई मुझे तुम नहीं चाहिए, ऐसी एनर्जीज़ मुझे मिल रही है आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी से कि भाई मुझे तुम नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, मुझे थर्ड पर्सन से रिश्ता नहीं रखना। जैसे होता नहीं कि मतलब कोई इंसान सडनली बुरा लगने लगता है, तो वो चीज़ आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के लिए हो रही है इस टाइम पर, क्योंकि उस थर्ड पर्सन की वजह से ही आपके दोनों के बीच में जहाँ तक कि मुझे झगड़ा दिखाई दे रहा, आप दोनों के बीच में आर्ग्यू दिखाई दे रही, क्योंकि पहले तो आपका रिश्ता ठीक था, आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक था, ओके था,
अंडरस्टैंडिंग भी प्रॉपर थी, बात भी होती थी, सब कुछ आप एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। यहाँ पर जो कार्ड है, मतलब एक आपका जो रिश्ता जो दिख रहा है मुझे, वो यहाँ पर प्रॉपर रिलेशन दिखाई दे रहा है, प्रॉपर। चाहे आपका लव पार्टनर हो, ये आपके चाहे मैरिड पार्टनर हो, फ्रेंड पार्टनर हो, कोई भी हो सकते हैं ये आपके, जिनके लिए आप इस टाइम पर रीडिंग देख रहे हैं। लेकिन इनके और आपके बीच में सब कुछ ठीक था, लेकिन जब से ये थर्ड पर्सन आया तो इन्होंने भी आपके पार्टनर ने इग्नोर ही करना शुरू कर दिया, आपको बात करना बंद कर दी, आंसर ठीक से नहीं दे रहे हैं, रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। या तो ये शुरू से ही ऐसे कर रहे होते तो चलिए आपको हैबिट होती, लेकिन शुरू से तो ये ऐसा नहीं थे ना, शुरू से तो ये आपसे हर बात शेयर करना, हर तरीके से बोलना, घंटों आप लोग एक ही बात को करते रहते थे, आपस में घूमने जाना, एक साथ मिलना जुलना, बैठना उठना, सब कुछ प्रॉपर है ना। हर छोटी से बड़ी बात मुझे दिख रही है आप शेयर करते थे, पर सडनली अगर कोई इंसान बोलना बंद कर दे, बात करना बंद कर दे, या फिर अपना कमिटमेंट ही तोड़ दे जो उसने वादे किए। अब ये मैरिड पार्टनर भी हो सकता है, हो सकता है कि आपके इनसे मैरिज भी इन्होंने फिक्स कर ली हो कि भाई हम लोग मैरिज करेंगे, लेकिन सडनली सब कुछ चेंज हो गया। अब ये जो पार्टनर, चाहे इनका एक्स हो आपके पार्टनर का, चाहे फैमिली हो या फिर कोई नया पार्टनर या कोई फ्रेंड सर्कल, अब इनको क्या हो रहा है कि आपका तो इनके पीछे, आप लोगों के बीच में तो गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी आर्ग्यू या फिर जो भी मनमुटाव जो भी चीज़ें थी वो हो गई और आप लोग नो कॉन्टेक्ट जोन में आ गए। अब क्या हो रहा है कि जो थर्ड पर्सन है ये आपके पार्टनर के पास है। अब आपके पार्टनर को स्ट्रेस इस थर्ड पर्सन से बहुत ज़्यादा हो रहा है, गुस्सा बहुत आ रहा है, क्योंकि इनको ये लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी की वजह से मेरे एक अच्छा खासा रिश्ता टूट गया है ना। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि आपके पार्टनर इस टाइम पर स्ट्रेस में है, और अब वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, अब उनको स्ट्रेस हो रहा है सोच सोच कर, क्योंकि उनको लग रहा है कि मतलब तनाव हो रहा है उनको कि वो कैसे आपके साथ कांटेक्ट करें और कैसे वो आपके साथ रिलेशन को बढ़ाएं। थर्ड पर्सन की प्रॉब्लम भी मुझे दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है इनकी लाइफ में, फाइनेंशियल सपोर्ट पूरी तरीके से चाहती है, इनका सपोर्ट हमेशा चाहती है, क्लेवरनेस है थोड़ी, कुछ यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जीज भी आ रही है जैसे कि कुछ चीटिंग वगैरह भी कर रहा है। दूसरी चीज़, ये जो भी थर्ड पार्टी यहाँ पर आप देख रहे हो, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर। अभी देख रहे हो यहाँ पर हो सकता है कि फैमिली हो, यहाँ पर फैमिली हो, हो सकता है कि फैमिली हो, और आपके पार्टनर अपनी मर्जी से फैसला कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर आपको टैरो कार्ड दिख रहा होगा, अपनी मर्जी से फैसला कर सकते हैं, वो चाहे तो एक सेकंड के अंदर कह दें थर्ड पर्सन से, फैमिली से, कि मुझे आपकी बात नहीं सुननी है और मुझे अपने पार्टनर के पास जाना। लेकिन यहाँ पर इमोशनली फीलिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके पार्टनर के सामने आ रही हैं जिसकी वजह से वो इस टाइम स्ट्रेस में है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर मैंने फैमिली से कुछ बोला तो फैमिली का दिल टूट जाएगा, और अगर आपसे बात ना करने की वजह से वो यहाँ पर अपने आप में स्ट्रेस में हो रहे हैं। आपकी चीज़ों के बारे में सोचना, आपको याद करना, कमिटमेंट उन्होंने दे दिया था आपको, वो चीज़ें बना बनाया रिश्ता टूट गया, आपकी हैबिट है उन्हें, तो सडनली वो भी तो इसी से चीज़ों को फेस कर रहे हैं ना। दूसरी, थर्ड पर्सन अगर कोई फैमिली में से नहीं है, कोई हिशी या कोई भी अदर पर्सन है, कोई भी एक्स है इनका या कोई भी अदर पर्सन है, तो उसके साथ हैप्पीनेस नहीं आ पा रही है, तालमेल नहीं बैठ रहा है दोनों के बीच में, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत हो रही है। ये थर्ड पर्सन इनको इतना रिस्पांस भी नहीं देता है, मैं ये भी देख रही हूँ, जिसकी वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस है, क्योंकि स्ट्रेस का कार्ड है जो कि यहाँ पर बता रहा है। मैं और कुछ कार्ड लेना चाहती हूँ। देखो फैमिली का, अगर आप दोनों के बीच में फैमिली है तो फैमिली तो सपोर्ट करेगी यहाँ पर, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि देखिए अगर आप दोनों के बीच में फैमिली है, किसी भी फैमिली की वजह से अगर आपके रिश्ते में डिस्टर्बेंस है, फैमिली की वजह से आप लोग दूर हो गए, तो फैमिली तो यहाँ पर रेडी फॉर आप तैयार है, मतलब आपके लिए कि आप न्यू बिगनिंग करें, ठीक है। वो उस चीज़ में है, सपोर्टिंग एनर्जीज आ रही है फैमिली की, तो फैमिली की तरफ से अगर टेंशन है या फैमिली की तरफ से कुछ चीज़ें बिगड़ रही हैं तो थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव हो जाओ, क्योंकि फैमिली का कार्ड निकल कर आया जो कि यहाँ पर बता रहा है कि फैमिली सपोर्ट करेगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि वो आपको कॉल खुद करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं वो आपको, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवनेस और मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी डिस्टर्ब हो रही हैं। और यहाँ पर एक थर्ड पर्सन कोई ऐसा भी है जो जिसकी बातों में आकर इन्होंने अपना सब कुछ जो है वो बर्बाद कर लिया है। अब ये जो एनर्जीज है वो ज़रूरी नहीं है सबकी हो, लेकिन हाँ कुछ लोगों की मुझे दिखाई दे रही है कि आपके जो पार्टनर हैं
उन्होंने इस थर्ड पार्टी के लिए अपनी फैमिली, अपना घर परिवार, अपना रुपया पैसा, अपना बिजनेस सब कुछ बर्बाद कर लिया, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेक और अब उस थर्ड पार्टी के साथ भी इनका झगड़ा हो रहा है, मैं देख रही हूँ। अब यहाँ पर वेंट्स को देख रही हूँ, ये पार्टनर की जो एनर्जी जा रही है, सजिज एरीज एंड लियो हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन का पार्टनर हो सकता है आपका। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपका जेमिनी लिब्रा और हो सकता है किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो आप, लेकिन ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, लेकिन ये देख आपकी तरफ ही रहे हैं, ये प्रॉपर तरीके से आपकी लाइफ से नहीं गए हैं और ना ही जा पाएंगे। इस इनकी लाइफ, इनके पास इस टाइम पर सब कुछ है लेकिन आप नहीं हो, और आपकी ही इनको ज़रूरत है। कितनी भी चीज़ें हों इनके पास, कितने भी लोग हों, ये उन सभी लोगों से सेटिस्फाई नहीं है, इन्हें आप चाहिए, आप चाहिए, आपको पाना चाहते हैं क्योंकि आपसे लव करते हैं, बहुत ज़्यादा लव करते हैं। हाँ, चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, नो कांटेक्ट हो गया, झगड़ा भी हुआ, आर्ग्यू भी हुई थर्ड पर्सन की वजह से, आपके पार्टनर ने आपसे बहुत रूडली बिहेवियर किया, लेकिन ये एनर्जीज थर्ड पार्टी की थी, उनकी जो खुद की एनर्जीज है वो लविंग एनर्जीज आपके लिए आज भी है, आज भी वो आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, वो पहले जैसा रिलेशन रखना चाहते हैं, उसी तरीके से घूमना फिरना एक हो जाना चाहते हैं। आज भी उन्हें आपकी नीड है, आपकी ज़रूरत है, और आपके लिए ही रेडी है कि हाँ भाई फ्यूचर आपके साथ स्टेबल होना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ हैप्पी नहीं है उनके साथ। तो यहाँ पर मुझे झगड़े की एनर्जीज आ रही हैं, यहाँ पर तो मुझे शो हो रहा है कि वेंट्स, और ये वेंट्स खाली थर्ड पर्सन के लिए ही नहीं है, ये वेंट्स की एनर्जीज यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट करती है, खुद से भी इंसान जब फाइट करता है ना, खुद से झगड़ने लगता है कि मैंने क्यों किया ऐसा, तब भी एनर्जीज आती है, राइट। तो ये एनर्जीज है आपके पार्टनर की। तो जहाँ तक मैं टैरो कार्ड में देख रही हूँ कि वो कॉल मैसेज, अपनी बात शेयर करना चाहते हैं आपके साथ, उनकी फीलिंग्स है, ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जीज है कि कुछ ऐसे सीक्रेट्स भी हैं थर्ड पर्सन को लेकर, या फिर कुछ ऐसी बातें जिनकी वजह से वो आपसे दूर हो गए, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात करना बंद कर दिया, फिर आपके रिश्ते को तोड़ दिया, ऐसा कोई सीक्रेट्स भी है इनके पास, कोई ऐसी चीज़ है जो वो आपको बताना चाहते हैं, वो खुद आपसे बात करना चाहते हैं, कॉल करके मैसेज करना चाहते हैं आपको। एनर्जीज है कि वो आपके पास लौट कर आएंगे, आपको कॉल या मैसेज करेंगे, क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है। आपका पार्टनर, अगर आप ये सोच रहे हो कि मुझे भूल गया है, तो ये चीज़ आप भूलने से भी मत सोचिएगा, क्योंकि वो आपको नहीं भूले हैं, वो आपको याद रखे हैं, क्योंकि आप ही उनके वो पार्टनर हैं जो सबसे ज़्यादा उनके करीब आज भी है। सबसे ज़्यादा अगर उनकी ज़िंदगी में लॉयल कोई पर्सन है तो वो आप हैं, और ये चीज़ आप खुद भी समझते होंगे, क्योंकि आपने जितना उनको लव दिया, जितना केयर किया, इतना नहीं उन्हें मिला अभी तक। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज है, कॉल या मैसेज की एनर्जीज है कि हाँ डेफिनेटली उनका कॉल या मैसेज आएगा। बहुत सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो देखते हैं किसके साथ रेजोनेट होगी। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें, क्योंकि जो भी एनर्जीज होती है, अगर वो एनर्जीज है टैरो कार्ड में तो वो एनर्जीज है। यहाँ पर मेरे को टैरो कार्ड बता रहा है कि इंतज़ार चल रहा है, तो अगर इंतज़ार कर रहे हो आप, तो ईश्वर आपका इंतज़ार जो है वो वेस्ट नहीं करेगा, यूनिवर्स आपका सपोर्ट करेगा, एंड आपका पार्टनर आपको कॉल या मैसेज करेगा। ऐसी एनर्जीज है यहाँ पर, शेयर करनी है उनको कुछ बातें आपके साथ। यहाँ पर मैं देख रही हूँ तनाव बहुत दिख रहा है, अभी भी मेरे को बार बार ये कार्ड दिख रहा है, जो कि यहाँ पर इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रॉब्लम्स, आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स शो हो रही हैं, जो कि इस चीज़ को बता रहा है कि किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या कोई गलतफहमियाँ भी आप लोग की बीच में हो गई। अब ये एनर्जीज यहाँ पर थर्ड पर्सन की वजह से ही बनी है, तो इस एनर्जीज को साइड करेंगे, क्योंकि जो भी ऐसी एनर्जीज होती हैं वो अपने आप ही जो है वो डिलीट हो जाती हैं, चली जाती हैं, एक पॉजिटिव एनर्जीज ही हमेशा रहती है, तो उसी को ही रखिएगा। सो डियर गाइज, आई होप सो कनेक्ट हो मेरी टैरो कार्ड रीडिंग, आपके पास आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, उनसे आपकी बात हो जाए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड टेक केयर, बाय बाय।